ये क्या है भाई? टूल टैक्स है, और क्या है? और जनाब टूल टैक्स हमें भीख ना दें, और आपके पास तो कार है, आपकी कार का टूल टैक्स बनता है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए? जी। और तुम पागल तो नहीं होगे क्या? और देखें जनाब, मोटरवे हुकूमत ने गिरवी रख दी है, इसलिए हमारी मर्जी है जितना मर्जी टूल टैक्स लें। क्या जी, 5,000 रुपए दे सकते हैं तो ठीक है, वरना वापस जाएं। जी फरमाए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर, मैं अपने बेटे को दाखिल करवाने आया। वेरी गुड। मुबारक, हमने आपके बच्चे को 10th क्लास में दाखिल कर लिया है, ये फीस देना पड़ रहा है। मगर सर, ये तो बच्चा है, मैंने इसको 2 क्लास में दाखिल करवाना है। देखें, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ये क्या बात हुई, और इतनी फीस? मैं आपके स्कूल के खिलाफ हुकूमत तक आवाज पहुंचाऊंगा। हुकूमत अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने सरकारी स्कूल हमारे पास गिरवी रखवा दिए हैं। क्या, स्कूल भी गिरवी? अब आप कल तक ठीक हो जाएंगे, फिक्र की कोई बात नहीं है। और ये है फीस। क्या खाक ठीक हो जाऊंगा? जख्म मेरे हाथ पर हुआ है, और पट्टी आपने मेरे पांव पर बांध दी है, और सरकारी अस्पताल में इतनी फीस। देखें, अब मरीज की मर्जी नहीं चलेगी, हमारी मर्जी है जिधर मर्जी पट्टी बांधें और जितनी मर्जी फीस लें। मगर क्यों? हुकूमत ने ये अस्पताल गिरवी रख दिए हैं, सरकारी फीस नहीं चलेगी और ना ही इलाज। क्या जी, हर चीज गिरवी गिरवी गिरवी। हुकूमत ने हर चीज गिरवी रख दी है, तो मेरी खुदकुशी बनती है। एक मिनट, आप क्या कर रहा है? हुकूमत ने सब कुछ गिरवी रख दी है, सड़कें, अस्पताल, एयरपोर्ट, तो मेरी खुदकुशी बनती है ना? ना, आप खुदकुशी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपकी हुकूमत ने आपके आवाम को हमारे पास गिरवी रखकर लोन लिया है। आप अपनी मर्जी से खुदकुशी नहीं कर सकता। क्या?